देश में छोटी कारों का दौर क्या खत्म हो जाएगा? ये सवाल एक अरसे से उठ रहा है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन भार्गव ने अब एक बड़ा बयान दे दिया है और इससे ये मसला फिर से सुर्खियों में आता दिख रहा है। तो आज समझेंगे कि क्या देश में छोटी कारें दिखनी और बिकनी बंद हो जाएगी या एक बार फिर से इनका दौर आ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भार्गव ने क्या कहा है। भार्गव ने असल में छोटी कारों को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। ईटी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2026 तक छोटी कारों के दौर की वापसी हो सकती है। उनका तर्क क्या है? तो भार्गव ने इसके पीछे दो फैक्टर्स बताए हैं। पहला, एंट्री लेवल के कस्टमर्स की कमाई बढ़ने से छोटी कारों की बिक्री बढ़ेगी और दूसरा, स्कूटर और मोटरसाइकिलों का ग्राहक खुद को अपग्रेड करेगा और कारें खरीदेगा। इसके चलते छोटी कारों की बिक्री फिर से फर्राटा भरेगी। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑटो सेक्टर में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है और जो दावा भार्गव कर रहे हैं उसमें कितना दम है। इसे आंकड़े से समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत में रिकॉर्ड कार सेल्स रही। कार सेल्स में भारत में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा था, बड़ी फूली हुई कारों का, SUVs का। छोटी कारों के मुरीद अब कम ही लोग हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में छोटी कारों की बिक्री 12% घटी है, जबकि पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स 8.7% बढ़ी है। पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स में छोटी कारों की फीसदी हिस्सेदारी भी यही बताती है। 2023-24 में यह आंकड़ा 27% से ज्यादा था, जबकि इससे एक साल पहले ये 34% तक था। देश में कारों की कुल बिक्री में छोटी कारों की हिस्सेदारी 2017-18 से ही तकरीबन हर साल गिर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में हिस्सेदारी 47% से ज्यादा थी। 2023-24 का आंकड़ा एक और चीज बताता है, जहां SUVs की सेल्स सालाना आधार पर 28% बढ़ी है, जबकि छोटी कारों या हैचबैक कारों की सेल्स 12% नीचे आई है। यहां तक कि सेडान्स की बिक्री भी 6% लुढ़की है। दूसरी ओर MPVs की सेल्स 19% और वैन्स की बिक्री 6.5% बढ़ी है। यह ट्रेंड बताता है कि देश में SUVs की बिक्री सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लोग ज्यादा बड़ी और स्टर्डी कारें चाहते हैं। यहाँ एक और फैक्टर समझने वाला है। कारों की प्राइसिंग का मसला बेहद अहम है। हैचबैक या छोटी कारें भी अब 7-8 लाख से कम नहीं आती और इससे थोड़ी ज्यादा कीमत में लोग को कॉम्पैक्ट SUV का ऑप्शन मिल जाता है। मारुति की ब्रीजा से लेकर एक्स्टर जैसे कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो 10 लाख से भी कम दाम में बाजार में मौजूद है। ऐसे में लोग 1-2 लाख रुपए ज्यादा देकर SUV की फीलिंग चाहते हैं। यह आंकड़े तो फिलहाल मारुति के मुखिया RC भार्गव का छोटी कारों की वापसी की उम्मीदों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि भार्गव छोटी कारों की वापसी को लेकर बुलिश क्यों दिख रहे हैं? असल में मारुति छोटी कारों के बदौलत देश पर राज करती रही है। मारुति की कारों का लंबा लाइनअप इन्हीं कारों का रहा है, ऑल्टो से लेकर वैगन आर हो या इग्निस बेलेनो। मारुति की छोटी कारों में एक्सपर्टीज रही है हमेशा से ही। इन्हीं कारों के बूते मारुति ने भारत के कार मार्केट में हमेशा 50% से ज्यादा हिस्सेदारी रखी है। जब से SUVs के बूते टाटा मोटर्स, महिंद्रा और दूसरी कार कंपनियों ने बाजार में दबदबा बढ़ाना शुरू किया है, तब से मारुति के माथे पर यह पसीना है। हाल के दौर में ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स, ब्रीजा और जिमनी के साथ मारुति ने SUV मार्केट में इन्हें टक्कर देना शुरू किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मारुति अपने कोर महारत वाले इलाके यानी छोटी कारों से मुंह नहीं मोड़ना चाहती है। खैर, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि भार्गव की भविष्यवाणी सही साबित होती है या छोटी कारें सड़कों पर दिखना बंद हो जाएगी। आपके लिए खबर लिखी थी प्रवीण शर्मा ने। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।